14 सितंबर हिंदी दिवस के मौके पर मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में काव्य आवृत्ति का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने तरह तरह के कविताओं का पाठ किया, साथ ही कविताओं के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि भी दी। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। धरती बनकर पाली सागर, धरती बनकर पाली सागर, और पर्वत को गोद लिया। धरती बनकर पाली सागर और पर्वत को गोद लिया, जबको अमृत दिया सदा ही, स्वयं गरल का भोग किया। करो प्रलय संधान की वसुधा, बंध तभी खुल पाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, अब गोविंद न आएंगे। कार्यक्रम के बाद सनमार्ग द्वारा आयोजित हिंदी भाषा पर प्रतियोगिताओं में भी बच्चों ने भरपूर उत्साह दिखाया। स्कूल के प्रिंसिपल दमयंती मुखर्जी ने हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं दी। इस विषय पर स्कूल की हिंदी शिक्षिकाओं ने भी अपने अपने वक्तव्य दिए। हिंदी दिवस का हार्दिक अभिनंदन। ये प्रयास जो सनमार्ग कर रहे हैं टू मेक हिंदी विजिबल एंड पैल्पेबल लैंग्वेज इन द स्टेट, ये बड़ी खुशी की बात है। और बट दिस इज़ नॉट द रीज़न वाई वी शुड नॉट, दिस इज रादर द रीज़न वाई वी शुड make it possible for children to be exposed to as many languages as possible when right from when they are young. And making a particular, you are taking particular effort to make sure that celebration of language is happening. And this is so important because nowadays children, it seems that though they may be born in India, English seems to be their natural language. So and they forget that they first dreamt in their vernacular. And this is what, you know, this kind of effort that Sanmarg is making, this kind of effort reiterates that. So it is wonderful what you are doing. आज स्कूल में हिंदी दिवस की जानकारी तो बच्चों को पहले दी ही गई थी। आज बहुत ही उत्साह दिख रहा था, हिंदी पढ़ने वाली लड़कियों में बहुत उत्साह दिख रहा था, और विशेषकर जो भाग लेने वाली लड़कियां बहुत ज़्यादा ही उत्सुक थी, समय से पहले ही आने को तैयार थी। बहुत उत्साह दिखा आज। इतनी कविताएँ बच्चे लाए कि हम लोग को चुनना मुश्किल हो गया था। फिर हम लोग ने उनको तीन भागों में बाँटा, कुछ हास्य और कुछ भाषा से संबंधित और कुछ अलग कविता तरह की कविताएं बच्चे। बहुत ही सराहनीय प्रयास है ये, मैं तो बहुत ही अधिक प्रशंसा करती हूँ। बच्चों को इतना उत्साह मिलता है, इतना इनकरेजमेंट मिलता है कि हम हिंदी में भाग ले रहे हैं, हिंदी का ये कार्यक्रम हो रहा है। बिकॉज़ हिंदी के ज़्यादातर कार्यक्रम बहुत स्कूलों में बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं, और विशेषकर ये जो पुरस्कार की बनाई गई है बच्चों को, 90% जो राम अवतार गुप्ता पुरस्कार के लिए जो किया गया, उसके लिए बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं। विशेषकर 10 और 12 में हम लोग उनको ये बोलकर भी उत्साहित करते हैं कि आपको अच्छे नंबर लाने हैं और अच्छा पढ़ना है ताकि आपको पुरस्कार मिल सके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सनमार्ग के संग। मैं बहुत पहले भी मैंने काम कर चुकी हूँ। एक बार बिरला हाई स्कूल के वहाँ नाटक प्रतियोगिता हुई थी, तो सनमार्ग वहाँ भी इसको कवरेज दिया था और उसको अच्छे से प्रकाशित भी किया था। इसके पहले भी कविताओं के लिए, कहानियों के लिए, छोटी छोटी रचनाओं के लिए वो लोग मॉडर्न हाई में आते रहे हैं और करते रहे। उतने बड़े तौर पे नहीं हुआ लेकिन हुआ है, और अभी जिस तरह से कर रहा है वो तो बहुत ही सराहनीय है। हिंदी क्लब जो हमारा है दीपशिखा विद्यालय का, के सबसे पुराने क्लब में से एक है, तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि हिंदी दिवस के अवसर पर क्यों ना इसे हम अच्छे से मनाएं। तो इसलिए हम लोगों ने ये एक तो स्लोगन मेकिंग का कार्यक्रम रखा था। ये जो आप देख रही हैं बोर्ड, इसमें जो स्लोगन्स लगे हैं ये हमारे क्लब के बच्चों ने बनाए, 6 to 8 मिडिल स्कूल के बच्चे हैं, इन लोगों ने बनाए। साथ ही साथ अटल जी की को भी हम लोगों ने श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है, क्योंकि हिंदी साहित्य में उनका वही मुकाम है जो उनका नाम है और हमेशा ही रहेगा। तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश की कि छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से हम हिंदी को और बढ़ावा दे सकें।